नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ प्रोवाइड सीएस चैनल में। तो हम लोग देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इंसर्ट का जो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है इसको हमने यूज करा था। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखने वाले थे जो चार्ट ऑप्शन है इसके बारे में कि चार्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं और कैसे उसमें एडिट कर सकते हैं या फिर डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट पे गए हम लोग और चार्ट में क्लिक कर देंगे। चार्ट में क्लिक करते ही यहाँ पे वो सारे जो चार्ट है वो हमें दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और ये कॉलम वाले हैं, फिर लाइन वाले होते हैं, पाई, बार चार्ट, ये सब बहुत सारे चार्ट होते हैं। आपको जिस तरीके से रिक्वायरमेंट हो आप वो वाला ले सकते हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल हम लोग बेसिक सीख रहे हैं इसलिए हम लोग बेसिक पाई वाला लेते हैं, क्योंकि पाई वाले में आप अच्छे समझ पाएंगे। तो मैंने पाई चार्ट में क्लिक करा और यहाँ पे देखिए पाई के भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग ये बेसिक वाला लेते हैं और इसमें क्लिक करके और ओके कर देंगे। तो ये मैंने ओके करा, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ओके करा तो यहाँ पे ये सीट खुल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे सेल जो है, सेल के लिए यहाँ पे सीट बनाई गई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जैसे इसको एडिट कर देते हैं, सेल्स को हम लोग कर देते हैं सेल, टोटल सेल लिख देते हैं, नहीं सेल बस लिखते हैं। अब सेल के अंदर लिख देते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं जैसे कि अजय। अजय जो है उसने सेल करा 500, 500 का कुछ जो हमारा प्रोडक्ट था उसको सेल करा। फिर उसके बाद आता है अजय के बाद शिवम आता है, शिवम जो है उसने सेल करा 700 का। फिर उसके बाद आती है पूजा, पूजा जो है तो उसने सेल करा 1000 का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गोविंद, तो गोविंद जो है उसने सेल करा 300 का, सबसे कम गोविंद ने सेल करा, ठीक है। और ये एंट्री हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने क्लोज करा, और जितना हमने एंट्री करा देखिए वहाँ पे उस बेस पे हो चुका है, ये शो कर रहा है। देखिए जितना, जिसने जितना ज़्यादा करा उसका उतना ज़्यादा यहाँ पे कलर में दिख रहा होगा, जिसने कम करा उसका और कम होगा, जो सबसे ज़्यादा करा उसका सबसे ज़्यादा ज़्यादा कलर होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे गोविंद जो था उसने सबसे कम करा था इसलिए उसका गोविंद का सबसे कम दिख रहा है। तो ये अभी हमें दिख नहीं रहा, ये बेसिक चार्ट बना है इसलिए हमें कुछ यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है कि हमें लिख के दिखना चाहिए कि अच्छा गोविंद ने कहाँ पे कितना करा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है चार्ट लेआउट, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे चार्ट टाइटल आप दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते। देखिए यहाँ पे ये चार्ट टाइटल है सेल, तो हम लोग दिखाना कहाँ चाहते हैं, एवब में। तो यहाँ पे एवब में अगर हमें ओवरले में दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं जो हमारा से क्या बोले जो चार्ट है उसके ऊपर दिखाना चाहते हैं तो ये वाला ले सकते हैं, या फिर हम लोग एवब में करते हैं तो एवब ज़्यादा सही रहता है। तो ये चार्ट जो जो हमारा चार्ट का जो कहा जाए तो टाइटल है वो यहाँ पे आ रहा है। फिर आता है डाटा लेवल, डाटा लेवल किसको बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये गोविंद ने कितना सेल करा, उसका गोविंद का कौन सा वाला चार्ट है हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं और इनसाइड एंड में कर सकते हैं, आउटसाइड एंड में कर सकते हैं, बेस्ट फिट में कर सकते हैं, डाटा को ये वाला ये ऐसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं यही वाला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दिख रहा होगा कि जो शिवम है उसने 28% सेल करा है, अजय ने 20% सेल करा है, गोविंद ने 12% सेल करा है और पूजा ने 40%, दो सबका इतना सेल हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ये आपको शो कर सकते हैं। फिर आगे आता है ऐसा लीजेंड आता है, तो लीजेंड में क्या होता है, आप जो हमारा ये शेप है उसको आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो नाम लिखा हुआ है इसको आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट साइड में जहाँ आप चाहें तो ये देखिए टॉप में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, और नहीं दिखा भी नहीं सकते हैं, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको राइट साइड में रखते हैं, देखिए राइट साइड में आ चुका है। ये हुआ, आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो शेप लिया है वो लिया है पाई चार्ट का, और ये कौन से हैं, लाइन वाले हैं, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपको मिलेगा तो ये क्या है, बस डिजाइनिंग के लिए आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। अगर आपको ये और देखना है तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप में बताइएगा, तो हम लोग इसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। अभी क्या है हम लोग समझ लेते हैं। फिर आता है क्विक लेआउट, क्विक लेआउट क्या होता है, पहले से जो बने हुए हैं हम लोग उसी को अप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, हमने अप्लाई करा, ये दिख रहा है, तो ये हम लोग ऐसा ये कुछ क्विक लेआउट है, यहाँ से हम लोग एक एक करके अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एक बार जो बना हुआ है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है कलर, कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे देखिए अजय का कलर कौन सा है, ब्लू, ब्लू में दिख रहा है अजय कितना है 20%, शिवम का कौन सा कलर है, रेड, रेड कलर में देखिए ऐसा दिख रहा है। अगर आप कलर नहीं ठीक लग रहा है आप कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए ठीक है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, देखिए अजय का जो है वो येलो कलर का हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो चार्ट का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर आता है चार्ट की स्टाइल, तो देखिए यहाँ पर स्टाइल बहुत सारी दी हुई है,
ठीक है, तो आप जैसा स्टाइल आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। जी ये ठीक लग रहा है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे और ठीक दिखने लग गया है। तो हमने चार्ट की जो स्टाइल है वो भी चेंज कर लिया हमने। फिर स्विच रो एंड कॉलम, ये अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने कोई रो और कॉलम अभी ड्रॉ नहीं करा है, अभी हम लोग आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए ये सेलेक्टेड डाटा क्या है, सेलेक्ट डाटा क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे सेलेक्ट डाटा में क्लिक करेंगे आपका चार्ट खुल जाएगा। अब इस चार्ट के अंदर आप सेलेक्ट का मतलब किसको दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, जैसे मैं सेवम का डाटा है वो यहाँ पे हाइड कर देना चाहता हूँ, देखे ना सेलेक्ट डाटा। अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता हूँ, सेवम का जो सेलेक्ट था वो मैंने हटा दिया और ओके कर दिया। तो अब देखिए जो हमारा चार्ट है उसके अंदर से सेवम का डाटा जो है वो हट चुका है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट डाटा एडिट करके और यहाँ पे जितना चाहें उतना दिखा सकते हैं। अभी मैं शिवम को वापस लाता हूँ, शिवम में मैंने जो टिक था उसको लगाया और ओके कर दिया, तो शिवम का भी डाटा आ चुका है। फिर देखिए यहाँ पे जो है तो जो स्विच रो एंड कॉलम वाला ऑप्शन है ये ऑन हो चुका है, जैसे मैंने बोला था कि आगे हम बताएंगे आपको। तो स्विच रो एंड कॉलम क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा जो ये सेल है उसको हम लोग चाहते हैं कि ये इस कैटेगरी में आ जाए जो ये है, और ये जो है इस कैटेगरी में आ जाए। समझ में आ रहा हो कि ये इसको हमने इसमें डाल दिया, इसको इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, स्विच कॉलम हो जाएगा। देखिए मैंने जैसे क्लिक करा तो क्या हो गया, जो ये था इस कैटेगरी में आ गया और ये इस कैटेगरी में। तो देखिए सेल जो था वो पूरा 100% हो गया, क्यों, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे और कोई कंपटीशन में है नहीं। यहाँ पे क्या होता था, जो हमारा चार्ट था उसमें कंपटीशन में चार लोग, ये चार लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनके हिसाब से ये चार्ट जो था हमारा शो हो रहा था, पर अब जो है तो वो 100 किस बेस पे हो रहा है, केवल एक के बेस पे हो रहा है, इसलिए ये 100% दिखा रहा है। ठीक है, आप इसको हम वापस कर देते हैं। ये देखिए मैंने स्विच कर दिया और ये सीट जो है मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डाटा जो है आपको टेबल ये जो हमारा एक्सेल सीट है उसमें आप चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा पूरा इसके अंदर चेंज होने वाला है। तो इस सेलेक्ट डाटा आपको समझ में आया होगा, सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना शो होगा, बाकी ये आपको शो नहीं होगा। और ऐसे ही आपको यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। फिर आता है एडिट डाटा, एडिट डाटा क्या है, जो आपको दिया हुआ है आप उसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप एडिट में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये चार्ट खुल जाएगा। तो आप वापिस ऐसे जैसे आप एडिट करना चाहते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए जो गोविंद है उसने अगले साल आके और सेल जो है बिगाड़ दिया उसने, तो वो ये हो गया अपना 200 और इंटर कर दिया। तो अब देखिए गोविंद का और कम हो जाना चाहिए, यहाँ पे ये गोविंद का 8% हो गया, पहले से भी बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये हो गया। फिर अगर आप एडिट डाटा इन एक्सेल में अगर करेंगे तो एक्सेल खुल जाएगा ऐसे ही, देखिए खुल चुका है। अब आप इसके अंदर और अच्छे से फार्मूला लगा सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो एक्सेल खुलने के बाद आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है। आप जैसे यहाँ पे मैंने बताया एडिट डाटा दो तरीके से होता है, डायरेक्ट एडिट डाटा में करेंगे तो डाटा एडिट करने के लिए आएगा, और अगर आप एडिट डाटा इन एक्सेल में करेंगे तो पूरा एक्सेल शीट खुल जाएगा, फिर उसके बाद आप जितना चाहें उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है रिफ्रेश डाटा। तो रिफ्रेश का करने का मतलब यही है, आप इसको रिफ्रेश कर देते हैं कि मतलब जो भी आपने एक्सेल में चेंजेस कराया अगर वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, जैसे मैंने अभी गोविंद का करा कम करा, अब वो क्या हुआ कि 8% होना था पर उसने अभी भी 12% था, जो हमारा पिछली बार हमने डाला था, अब वो चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे उसको रिफ्रेश डेटा में कर लेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है चेंज चार्ट टाइप। तो चार्ट टाइप जैसे हमने पिछली बार जो हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट के अंदर हमने आर्ट चूज करा था, स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट में क्या हो रहा था, हमने जो आर्ट है कोई गलत ले लिया, हमें पसंद नहीं आया, हम उसको बाद में चेंज करना चाहते, तो हम लोग क्या करते थे उसको चेंज आर्ट में करते थे। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में करेंगे, तो यहाँ पे चार्ट का जो डिजाइन है आप ये इस तरीके से हटा के आप दूसरे तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि मैं कॉलम में जाता हूँ और ये वाला ले लेता हूँ, ओके कर देते हैं। देखिए अब जो कॉलम है हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अब मतलब लाइन वाला आ चुका है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। गोविंद का जो है सबसे कम है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा पूजा का है, शिवम का है, अजय का है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे और वो शो होने लगे, यहाँ पे एरर बार कोड हो गया क्योंकि हम लोगों ने ले लिया ऑप्शन। अब यहाँ पे जो एड चार्ट वाला ऑप्शन था ये सारे ऑन हो चुके हैं, लीजेंड हो गया, राइट हो गया, ये सब आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना फर्क दिख नहीं रहा है पर मतलब ये कभी भी यूज हो सकता है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये टेबल, ये डाटा टेबल यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे जो हमारा टेबल है जो डाटा है उसका, उसको टेबल फॉर्म में भी दिखा रहा है कि गोविंद 200 है, पूजा जाती है ये 1000 है, शिवम 700 है और अजय 500 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा ऐसा बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे एक एक करके, तो आपको अच्छे से आने लग जाएगा। और ये कंपनी में यूज होता है तो आपको थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जैसे देखिए यहाँ पे हमने ये लिया, इसके अंदर जो डिजाइनिंग होती है कुछ इस तरीके, देखिए बहुत सारी डिजाइनिंग भी दी हुई है। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वो ले सकते हैं। तो ये हो गया डिजाइन, डिजाइन के बाद आता है फॉर्मेट।
फॉर्मेट भी ऐसे ही है जैसा हम लोग अपने जो बाकी सारे सिस्टम थे उनमें हम यूज कर रहे थे। देखिए अरेंज के अंदर जो हमने सब पढ़ा था वही है, वर्ड स्टाइल के अंदर भी यही है, सेव के अंदर भी वही है। तो आप जैसा चाहें ऐसा ले सकते हैं, चेंज सेव में जाएंगे आप, सेव चेंज करेंगे तो वो उस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे सर्कुलर कर देता हूँ, तो ये जो नाम लिखे हैं पूरे सर्कुलर हो चुके हैं। फिर ऐसे अगर मैं चाहूँ कि इसको थोड़ा ऐसा होना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये सर वैसा बन चुका है, ये वाला ले लेते हैं। तो ये हो गया। आप ऐसे ही फॉर्मेट सिलेक्शन, ये फॉर्मेट सिलेक्शन क्या है कि आप जितना जितना यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा, केवल ये सेलेक्ट करने के आता है। ये हेडर हो गया, ये जितना आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी क्या है, ये सेलेक्ट है। आप यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे पूरा एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेव आप एक एक करके चेंज करना चाहते हैं तो एक सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपको और बाकी चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के फिर सेलेक्ट करेंगे, सॉरी शिफ्ट दबा के। ये मैंने सेलेक्ट करा तो ये पूरा पूरा सेलेक्ट हो रहा है, पर अगर मैं एक में क्लिक करूंगा तो एक सेलेक्ट होगा, पर अगर मैं शिफ्ट दबा के करूंगा, ये देखिए मैंने शिफ्ट दबा लिया और ये क्लिक करा, सॉरी शिफ्ट और कंट्रोल नहीं, शिफ्ट दबा के, हाँ शिफ्ट दबा के ही हो रहा है। पर एक जब सेलेक्ट है आप अगर दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, आपको क्या करना है पहले कोई सेलेक्ट नहीं करना है, फिर शिफ्ट दबा के फिर सेलेक्ट करना है। ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है तो आप समझ गए, थोड़ा सा आप कोशिश करना, ट्राई करना तो आपको बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अलग चल रहा है पता नहीं कैसे, तो आपको क्या करना है शिफ्ट दबाना है या फिर आप कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे तो भी ये काम करेगा। अभी यहाँ पे मेरा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा पता नहीं कैसे चल रहा है, शिफ्ट के साथ कभी करता है कभी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ करता है। तो आप ट्राई करके और प्रैक्टिस करके देखिएगा कि कैसे सेलेक्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके आप डिजाइन जो है यहाँ पे ये शेप जो है आप जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आप शेप दूसरा तीसरा जैसा चाहिए आप ये ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और भी शेप दिए हुए हैं आप यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन ये करंट सिलेक्शन यही है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा, ठीक है ये जो आप चाहें तो यहाँ से ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे जो आपने यहाँ पे अब शेप लिया था, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वापस सर्कुलर ले लेते हैं, यहाँ पे हमने शेप लिया, अब शेप का कलर हम लोग चेंज करना चाहते हैं। ये देखिए पूरा स्मार्ट आर्ट के जैसे काम करने लगे, वो जैसे हम लोग ड्राइंग टूल वाला ऑप्शन यूज कर रहे थे सेम टू सेम वही काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमने रेड कर दिया, आउटलाइन कलर हम लोगों ने येलो कर दिया, जो शेप का इफेक्ट है हम लोगों ने इसको थोड़ा ग्लो वाला कर दिया। फिर इसके बाद आप ऐसे यहाँ पे इफेक्ट के बाद होता है क्विक स्टाइल, जो मैंने पहले पढ़ा था हमने पूरा क्विक स्टाइल दी हुई है, स्टाइल का जो कलर है आप चेंज कर सकते हैं, उसका आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ आप चाहिए, और टेक्स्ट वाइपिंग हमने पढ़ा था स्क्वायर में होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो ये सब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, अगर कोई ना बने तो आप हमें बताइएगा, ये बार बार बताएंगे तो आपका जो टाइम बेकार होगा। आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है, और वीडियो हम लोग अभी यहीं रोकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट में सब कहीं भी आप पूछ सकते हैं, हम एक्टिव रहते हैं तो हम आपको सारे सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।